हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ जगदीप सिंह फ्रॉम VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड या वॉलपेपर कैसे अपना बनाते हैं वो सिखाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन करके आप कोई भी साइज़ का एक न्यू पेज ले लो। इसके ऊपर आप ब्लैक कलर फिल कर लो। फिल करने के बाद आप फिल्टर में चले जाओ। फिल्टर में उसके ऊपर रेंडर से कोई भी इफेक्ट लगाने शुरू करो। जैसे मैं लेंस फ्लेयर इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको 2-3 बार लगाना है अलग अलग जगह पे। एक और, एक और, अब इसको एक छोटा सा इफेक्ट और लगाएंगे ताकि इसके जो एज हैं ये ज़्यादा दिखने लगें। तो उसके लिए आप फिल्टर में चले जाओ। फिल्टर गैलरी ओपन कर लो। गैलरी में आर्टिस्ट में एक ऑप्शन है प्लास्टिक रैपिंग का, ठीक है। ये इफेक्ट अपन लगाएंगे। इसमें क्या है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमें सिर्फ इतनी ही चाहिए, 5 वैल्यू रखना है और डिटेल उसकी 10 वैल्यू में। ये उसकी स्मूथनेस है, कितने ज़्यादा दिखने चाहिए, कितने लाइट दिखने चाहिए। तो स्मूथनेस भी इसकी सिर्फ 3 ही रखेंगे। ओके, अब इस सारे के सारे को ब्लैक एंड वाइट कर लो। इमेज एडजस्टमेंट, इसको डेजर्ट करो। इसके सारे कलर ख़त्म हो जाएंगे, ये फोटो ब्लैक एंड वाइट दिखने लगी। अब जिस कलर में भी आप वॉलपेपर का कलर देना चाहते हो, यहाँ से कलर बैलेंस से उसका कलर कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ब्लू में देना है, तो देखो ब्लू में वॉलपेपर तैयार है। इसको आप यहाँ से एडजस्टमेंट करके अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों, हमारा वॉलपेपर तैयार है। थैंक यू।